हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिव लाइफ विद प्रणीत एंड फैमिली। आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की रेसिपी किस चीज़ से बनने वाली है। मेरी ये आलू की ग्रेवी और कुछ इडली जो है वो बच गई थी, तो हम उसी का कुछ इंटरेस्टिंग आज बनाएंगे। तो मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में जो है वो कट कर लिया है। इस तरह से मैं सारे इडलीज़ को जो है वो कट कर लूँगी। ये मैंने सारे इडलीज़ को कट कर लिया है। मैंने रात में डिनर के लिए कुछ ग्रीन मटर जो है उसको सोक करके रखा हुआ था, उसको बॉयल कर लिया है। तो एक साथ दो काम हो जाएंगे मेरे। अभी शाम हो ही चुका है, तो मैं ये ग्रेवी भी अभी बना लूँगी और ये शाम का स्नैक्स भी हो जाएगा साथ साथ। तो मैंने पहले ये जो है मटर की सब्ज़ी जो है उसको बना लेते हैं। तो ये मैंने हाफ चम्मच जीरा और ये करी पत्ता जो होता है उसको डाल के थोड़ा सा प्याज के साथ इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और ये कुछ टमाटर हैं, ये मैंने हाफ टमाटर लिया हुआ है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये टमाटर गल नहीं जाता है। और ये टमाटर गल चुका है। ये मैंने हाफ अनियन और हाफ टमाटर, क्योंकि मैंने फ्राई करते टाइम हाफ टमाटर डाला था, और इसमें मैंने हाफ टमाटर और मिर्ची का जो है वो पेस्ट बना लिया था। अनियन टमाटर और मिर्ची का पेस्ट बना लिया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये जो है ये लहसुन का पेस्ट है गार्लिक का, और थोड़ा सा जिंजर पेस्ट डालूँगी। अब इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद, हम इसमें ज़्यादा मसाला इसलिए नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो आलू की सब्ज़ी बच गई थी वो वेस्ट हो जाती, तो हम इसको इसी के साथ में एडजस्ट कर लेंगे। मैंने एक्स्ट्रा, क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें जो है मैं ये आलू की जो ग्रेवी बच गई थी पहले इसको ऐड करूँगी। ये थोड़ा सा इसमें मसाला अच्छे से चला जाएगा, उसके बाद मैं फिर जो मैंने मटर बॉयल करके रखे हुए थे ग्रीन मटर उनको ऐड करूँगी। तो ये हल्का सा बॉयल हो जाएगा, उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। सब कुछ तो गल चुका है, सब बढ़िया से रेडी हो चुका है। और ये देखिए हमारा ग्रेवी जो है वो बनके रेडी है। ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा जब ये थोड़ा सा बैठ जाएगा सब्जी बनने के बाद। मटर की सब्ज़ी थोड़ी सी थिक हो जाती है। तो चलिए फटाफट से अपना स्नैक्स रेडी कर लेते हैं। तो अब हम बना लेते हैं ये कुछ करी पत्ता, प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची और ये घर का बना हुआ दही। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी क्योंकि घर के बने हुए दही में थोड़ा सा जो है वो दाना दाना रहता ही है, तो उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये जो इडली कट करके रखे हुए थे वो थे। और ये मैंने थोड़ा सा पेन में ऑयल गर्म कर लिया है, गर्म हो जाए अच्छे से। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा राई डालेंगे एक चम्मच बराबर, और जो करी पत्ते लिए हुए थे वो उसमें ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ये, मतलब राई जो है वो चटक जाएगा। तब हम इसमें इडली डाल देंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि ऊपर का जो स्किन है वो क्रिस्पी नहीं हो जाता एकदम कड़क। मैंने जो मटर की सब्ज़ी में बाद में जब मसाला फ्राई करी थी तब मैंने नमक और हल्दी नहीं डाला था, क्योंकि मेरा जो है जब बॉयल किया था तभी डाल दिया था। ये अच्छे से कलर देखिए इसका चेंज हो चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं। एकदम कड़क हो चुके हैं अंदर से, ऊपर से जो अंदर से सॉफ्ट है लेकिन ऊपर से जो है एकदम कड़क है। तो इसमें मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी अभी मटर वाली वो डाल दी है। और इसमें जो है थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा जो मैंने मिर्च कट के रखा हुआ था, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा दही और थोड़ा सा जो है वो टोमेटो केचप और चिली सॉस जो है, और ये ऊपर से लाल मिर्च का पाउडर और ये भुजिया। आपके पास जो भी भुजिया है वो डाल सकते हैं। मैंने ये आलू का भुजिया था वो डाला हुआ है, सेव वाला जो भुजिया आता है वो भी डाल सकते हैं आप। और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है हमारी। मेरे हस्बैंड को जब मैंने ये टेस्ट करने के लिए दिया तो उन्हें लगा कि मैंने पपड़ी चाट बनाया हुआ है, लेकिन पपड़ी चाट नहीं था, ये इडली चाट है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। उन्होंने तो को तो पता ही नहीं चला कि ये इडली चाट है, पपड़ी चाट नहीं। तो बाद में मैंने उनको अंदर से दिखाया तो उन शॉक रह गए। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जब भी कुछ इस तरह का बच जाए तो कुछ ना कुछ नया करने का कोशिश करना चाहिए। तो मैंने ये रेसिपी बनाया था, बहुत ही अमेजिंग बना था। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।